बिहार में बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजौड़ा सिकंदरपुर का है। यहाँ एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतका के परिजन रेप के बाद हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि महिला घर से शौच के लिए बाहर गई थी, इसी दौरान बीच रास्ते में बदमाशों ने महिला से दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। काम धंधा दोनों कैलिए खेल के भंसान सा खेल के खाए सुत रहे सब गोटा थकल में रही सुत रहे कखन की होल सब कुछ जानबे नहीं कई ना लगल सब गोटा गए निकास करल गल तब देखलिए सुतल कलिए मरल से तब देखलिए सब गोटा जानलख सुनलख तब अलिए देखलिए तब सब बात हो जा रही। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिला रातों सूचना मिला कि एक महिला मृत हालत में सिकंदरपुर से दक्षिण जहां शौच क्रिया के लोग जाते हैं वहीं पर उसका शव पड़ा हुआ है। इंस्टेंटली हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो एक करीब 32-35 साल की महिला है जिसका नाम बेचनी देवी है। बेचनी देवी पति राजा राम सदा और घर सिकंदरपुर उसी का शव था। उसको गला में निशान है और सिर पर भी ब्लड निकला हुआ था। ऐसा लगता है कि गला में जख्म और सिर पर चोट पहुंचा करके ही उसकी हत्या कर दी गई है। कुछ दूरी पर 3 चप्पल भी मिले हैं जिसके आधार पर पुलिस फॉलो अप कर अनुसंधान करने कर रही है और तत्काल शव को अंत परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। पे हत्या लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।